हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप बिना किसी की हेल्प किए हुए खुद का एग्जामिनेशन कर सकते हैं और आप सेकेंडों में इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुँह ओपन है या नहीं है। इसको एग्ज़ामिन करने के लिए आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और इसको आपको कैसे एग्ज़ामिन करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता आने वाली हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर एक्टिव कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने बच्चेदानी की पोजीशन को देखने के लिए फिंगर टेस्ट मेथड को अप्लाई करना होगा, क्योंकि फिंगर टेस्ट मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको किसी की भी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद भी इसको टेस्ट कर सकते हैं और सही टाइमिंग का, ओवुलेशन का और आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं है, इन सभी बातों का आप खुद ही पता लगा करके रिलेशनशिप रख सकती हैं और कंसीव कर सकती हैं। तो जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो आपको पीरियड के ख़त्म होने के 2 दिन बाद से ये टेस्ट करना आपको शुरू कर देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टेस्ट को करें तो आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। आपके हाथों में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में अगर किसी भी तरह की कोई गंदगी हो सकती है तो उससे आपको इन्फेक्शन का डर हो सकता है। तो इससे पहले आपको अपने नेल्स छोटे कर लेने हैं, नेल्स में किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, हाथ एकदम क्लीन एवं पोछे हुए होने चाहिए, और अब आपको ये टेस्ट शुरू करना है। अब आपको ये टेस्ट कैसे करना है? अब आपको डेली अपनी फिंगर को अपने सर्विक्स में इंसर्ट करना है। जिस दिन भी आपकी फिंगर का पहला पार्ट, जो कि आपने देखा होगा कि फिंगर में 3 पार्ट होते हैं, तो आपकी फिंगर का पहला पार्ट जब आपकी सर्विक्स से इंटर हो जाता है, अंदर हो जाता है, पहला पूरा पार्ट, मतलब कि 2 से 3 इंच तक जब आपकी फिंगर का पार्ट इंसर्ट हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। इसके साथ ही जैसे ही आप फिंगर को इंसर्ट करेंगे तो उसमें हल्का सा चिपचिपा सा कुछ लिक्विड सा पदार्थ उसमें निकलेगा, तो वो हल्का सा चिपचिपा सा होगा तो और वाइट सा, उस वो किसी भी तरह का कोई उसमें कलर नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही होता है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो डिस्चार्ज होता है, वो जो हल्का चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, वो कभी कभी स्ट्रेचेबल भी होता है, कभी कभी पानी सा भी होता है। लेकिन अब आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मोस्ट फर्टाइल डिस्चार्ज होता है वो हल्का सा स्ट्रेचेबल होता है। अगर आपको ये स्ट्रेचेबल डिस्चार्ज दिखने लगे, आपकी इंसर्ट जो आपने बच्चेदानी में जो अपने फिंगर इंसर्ट करी है वो अगर जाने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका मोस्ट फर्टाइल टाइम चल रहा है और आप रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेशन बनाएं तो रिलेशन बनाते समय आपको डीप पेनिट्रेशन रखना है। इससे आपके जो हस्बैंड के स्पर्म होंगे वो डायरेक्ट एग से मिलकर फर्टिलाइज हो जाएंगे, और जो चिपचिपा सा लिक्विड होता है, अगर वो लिक्विड अच्छी मात्रा में स्ट्रेचेबल निकल रहा है तो ये वही म्यूकस होता है जिसके सहारे जो स्पर्म होते हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके लिए ये फर्टिलाइजेशन का एक बहुत अच्छा टाइम होता है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप रिलेशन बनाएं, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, तो अपने माइंड में आपको स्ट्रेस किसी भी प्रकार का नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने से ही सेकेंडों में बहुत सारे हॉर्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। मैं बार बार आपको अपने सभी वीडियोस में ये कहती हूँ कि जब भी आप ट्राई करें तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, एक अपने रिलेशन को, उस मोमेंट को एक इंजॉय की तरह स्पेंड करें। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।